सभी लोग अपनी उंगलियां कटोरी के ऊपर रखकर बैठे हुए थे। अचानक से कटोरी के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। सभी लोग उस धुएं को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये धुआं कहां से निकल रहा है। धीरे धीरे कटोरी के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है और कटोरी हिलने लगती है। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, जब कटोरी के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाए तो उससे अपनी उंगलियां कटोरी के ऊपर से हटाकर प्लेन चिट के ऊपर रख लें। सभी लोग वैसा ही करते हैं और अपनी उंगली प्लेन चिट पेपर पर रख देते हैं। कटोरी के अंदर अभी भी मूवमेंट हो रही थी। क्या आप रुद्र की मां की आत्मा है? अर्जुन ने कहा। जैसे ही अर्जुन ने यह सवाल पूछा, कटोरी हिलना बंद हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे की सूरत देखने लग जाते हैं। प्लेन चिट पेपर पर रखी पीयूष की उंगली डर के मारे हिलने लग जाती है। वो कटोरी प्लेन चिट पर बने पहले वाई अल्फाबेट, फिर ई, फिर एस अल्फाबेट के ऊपर जाती है और फिर वापस से गोले के अंदर आ जाती है, जिसका मतलब ये था कि यस, वो रुद्र की माँ की ही आत्मा है। जब रुद्र वो यस पढ़ता है तो कहता है, माँ मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। माँ आपका यहाँ होना फिर से मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप नाराज हो क्या मुझसे माँ? भला कभी अपनी औलाद से कोई माँ नाराज हो सकती है क्या? रुद्र अपने आप को संभालो और ऐसे सवाल मत पूछो, वरना आंटी जी की आत्मा वापस चली जाएगी, अर्जुन ने धीरे से कहा। हाँ ठीक है, रुद्र ने कहा। दीदी आप मेकाओ में क्या कर रही थी? दीदी बताइए, दीदी आप वहां पर क्यों गई थी, वो भी रात के 3 बजे? आयशा ने कहा। भाभी आपको जाना ही था तो आप मुझे बता देती, संतोष ने कहा। बड़ी माँ कहाँ है आप, कहाँ है आप, मैं आपको देख क्यों नहीं पा रही? स्वाति ने रोते हुए कहा। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? रुद्र ने कहा। सभी लोग लगातार कोई ना कोई सवाल पूछे जा रहे थे। अर्जुन सबसे कह रहा था कि चुप रहे, पर कोई भी चुप नहीं हो रहा था, जिस कारण अर्जुन का रुद्र की माँ की आत्मा से संपर्क टूट जाता है और वो वहां से चली जाती हैं। जैसे ही रुद्र की माँ की आत्मा वहां से गई, लाइट वापस आ जाती है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग शांत रहिएगा, पर आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और अब देखिए आंटी जी से हमारा संपर्क टूट गया, अर्जुन ने कहा। क्या अब हम दोबारा माँ से कांटेक्ट नहीं कर सकते? रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, ये क्रिया एक रात में सिर्फ एक बार ही की जा सकती है। तो क्या अब हम दीदी से फिर कभी दोबारा बात नहीं कर सकते अर्जुन बेटा? आयशा ने कहा। कर सकते हैं आंटी जी, पर सिर्फ कल रात, वो भी आखिरी बार, क्योंकि परसों आंटी जी की 13वीं है और फिर उनकी यमलोक की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप लोग कल ध्यान रखिएगा, कोई भी बीच में सवाल ना करे। आप लोगों को जो पूछना है वो मेरे जरिए आंटी जी से पूछ सकते हैं। कल आप मुझे पहले बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या पूछना है। हाँ बेटा, हम कल इस बात का ध्यान रखेंगे, संतोष ने कहा। सुबह के 11 बज रहे थे। माखनलाल और अजय जिप्सी में बैठकर कहीं जा रहे थे। अजय जिप्सी चला रहा था और माखनलाल उसके साथ बगल में बैठा हुआ था। साहब आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? एक तो इतनी सुबह सुबह आपने मुझे बुला लिया, मेरी नींद खराब हो गई और जब से आपसे पूछे जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, पर आप कुछ बता ही नहीं रहे, माखनलाल ने कहा। माखनलाल हम देवरी गांव जा रहे हैं। पर क्यों साहब, ये तो वही गांव है ना जिसके टीले पर वो भिखारी रहता था। हाँ माखनलाल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर साहब आप ये तो बताइए कि हम देवरी गांव क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए माखनलाल कि कल रात मेरी जिप्सी खराब हो गई थी और जिसने मुझे लिफ्ट दी थी वो पहले मेघ गांव में ही रहता था। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम तो पूछना मैं भूल गया, पर उसकी बाइक पर बिरजू लिखा हुआ था। शायद उसका नाम बिरजू ही हो। अच्छा बिरजू? हाँ बिरजू,
उस बिरजू ने मुझे बताया था कि मेघ गांव के जो सरपंच थे दनपत राय, उनका सबसे वफादार आदमी जो था वो था राजन मुंशी। उस राजन मुंशी को जरूर पता होगा कि उन तीनों सरपंचों ने मिलकर उस औरत को क्यों जलाया था। साहब ये क्या, उस आदमी ने कहा और आपने मान लिया? ये भी तो हो सकता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा हो। माखन लाल जरा ये बताओ कि वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, इसमें उसका क्या फायदा होगा? और वैसे भी पुलिस वाले से लोग झूठ बोलकर फंसना थोड़ी चाहेंगे। हाँ साहब ये भी है, पर मेघ गांव तो कब का खाली हो गया है, फिर हम उस राजन मुंशी को कहाँ ढूंढेंगे? उस बिरजू ने कहा था कि मेघ खाली होने के बाद आधे लोग शहर चले गए और बाकी के आसपास के गांव में बस गए। जितना मेरा अंदाजा है वो बलमा टोले और दास गांव में तो नहीं बसा है। यदि बसा होता तो हमारे साथी जरूर उसका पता लगा लेते। बलमा टोले और दास गांव के पास ही देवरी पड़ता है, तो हो ना हो वो मुंशी हमें वहाँ जरूर मिल सकता है। साहब अगर वो राजन मुंशी वहाँ पर भी नहीं मिला तो? माखन लाल तुम ना बहुत ही नेगेटिव इंसान हो, इसी वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। साहब वो तो बस मैं यूं ही एक अंदाजा लगा रहा था। तो कभी पॉजिटिव अंदाजा लगा लिया करो। सोच कर देखो, अगर हमें वो मुंशी मिल गया तो जरूर पता चल जाएगा कि उस औरत को 19 साल पहले क्यों जलाया गया था। हाँ साहब ये तो है। अजय और माखन लाल देवरी गांव पहुंच जाते हैं और राजन मुंशी के बारे में पता करने लग जाते हैं। अजय एक किराना की दुकान पर जिप्सी रोक देता है। राजन मुंशी इसी गांव में रहता है क्या? माखन लाल ने दुकानदार से कहा। ये कौन है? दुकानदार ने कहा, ये पहले मेघ गांव में रहते थे, सुना है अब यहीं आसपास के गांव में बस गए। अजय ने कहा, नहीं हमने तो कभी नहीं सुना राजन मुंशी का नाम। दुकानदार ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इतना कहकर माखन लाल और अजय अपनी जिप्सी वहीं पर खड़ी करके पैदल पैदल आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो आसपास के हर घर और लोगों से पूछते जा रहे थे कि वो राजन मुंशी को जानते हैं क्या, पर उनके हाथ में निराशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। साहब मैं तो कहता हूँ उस बिरजू ने ना आपको उल्लू बनाया है, पूरा देवरी गाँव खत्म होने वाला है, पर इस गाँव में राजन मुंशी नाम का कोई इंसान नहीं रहता। माखन लाल ने चलते चलते कहा, पर बिरजू हमसे झूठ क्यों बोलेगा, उसको इससे क्या फायदा होगा? माखन लाल ढूंढो राजन मुंशी को, जरूर इसी गांव में होगा। साहब मैं तो राजन मुंशी को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, बिना पानी पिए मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ माखन लाल प्यास तो मुझे भी लग रही है, हम लोग शायद पैदल पैदल गांव से कुछ ज्यादा ही दूर निकल आए, किसी का घर नहीं दिखाई दे रहा। साहब वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग बेवजह एनर्जी राजन मुंशी को ढूंढने में खर्च कर रहे हैं। लगता है तुम ठीक कह रहे हो माखन लाल, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वही ना साहब, पर मैंने कहा ना मुझे प्यास लगी और हम लोग तो अपनी जिप्सी दूर खड़ी करके आए हैं, बिना पानी पिए मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। पर माखन लाल यहाँ पर घर कहाँ है जहाँ से अब मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? थोड़ी देर चल लो पैदल, वहाँ पर पानी मिल जाएगा। अजय आसपास देखने लगता है और कहता है, वो देखो किसी का घर लग रहा है। अजय ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, हाँ साहब वहाँ पर जरूर कोई मिल जाएगा। अजय और माखन लाल एक घर के पास पहुँच जाते हैं। वो घर खंडहर में तब्दील होने लगा था। इस टूटे फूटे मकान में कौन रहता होगा साहब? माखन लाल ने कहा। पता नहीं माखन लाल, आवाज लगाओ शायद कोई बाहर आ जाए। कोई है? अरे कोई है इस घर में क्या? माखन लाल आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी अजय कहता है, माखन लाल ये पढ़ो। दरवाजे के गेट के पास नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था राजन मुंशी। इसका मतलब साहब ये राजन मुंशी का घर है, माखन लाल ने हैरानी के साथ कहा।